हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीयू के पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में। यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि आईपीयू में पैरामेडिकल के अंदर कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, उसके लिए कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है, उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, वो यहाँ पे कॉलेजेस कौन कौन से हैं, वहाँ पे सीटें कितनी हैं, फीस कितनी लगती है, कट ऑफ कितनी जाती है, इस तरह की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्सेज के बारे में। तो आईपीयू में पैरामेडिकल का जो सीईटी कोड है ये होता है 124। अब आप बोलेंगे सीईटी कोड क्या होता है, तो सीईटी कोड का मतलब ये है कि आईपीयू में जितने भी कोर्सेज कराए जाते हैं सभी कोर्स को एक यूनिक कोड दिया जाता है। तो ऐसे जो पैरामेडिकल वाले जितने भी कोर्सेज होते हैं इनका कोड है 124। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे आईपीयू का तो उस टाइम पे आपको इस कोड की जरूरत पड़ती है। आईपीयू में पैरामेडिकल के अंदर टोटल 5 कोर्सेज कराए जाते हैं, उनके नाम आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं और मैं आपको बता भी देता हूं। यहाँ पे पहला कोर्स आता है बीपीटी, यानी कि बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये 4.5 साल का कोर्स होता है। दूसरा होता है बीओटी, यानी कि बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये भी 4.5 साल का कोर्स होता है। तीसरा है बीपीओ, यानी कि बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ये भी 4.5 साल का कोर्स होता है। चौथा है बीएससी एमएलटी, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये कोर्स 3 साल का होता है। और आखिरी कोर्स हमारा है बीएएसएलपी, यानी कि बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ये कोर्स 4 साल का होता है। तो यहाँ पे पैरामेडिकल में यही कोर्सेज कराए जाते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अप्लाई करने के लिए कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है, या तो आप अभी क्लास 12 में पढ़ते हो, या आप क्लास 12 पास हो चुके हो साइंस की स्ट्रीम से, और आपने अपने क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश पढ़ा हो, और इन सब का मिला के आपने कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा स्कोर किया हो तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं और आप क्लास 8th में, 9th में, 10th में, 11th में या 12th में पढ़ते हैं, या आप जेईई मेंस की या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी खास आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी लर्निंग फेस्टिवल, जो कि 23 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक चलेगा। इसके बीच में अगर आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं 45 डेज के लिए तो आपको मिलेगा 299 रुपीज का। और इसके साथ एक ऑफर भी है आपके लिए, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं कैंपस CAMPUS तो आपको यहाँ पे मिलेगा 10% का डिस्काउंट। तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप अपना क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा कूपन कोड है कैंपस, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कैंपस CAMPUS। इस कोड को डालना ना भूलें क्योंकि इससे आपको मिलेगा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और इस न्यूज को अपने भाई बहन के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। इस एंट्रेंस एग्जाम का नाम है आईपीयू सीईटी। एग्जाम आईपीयू खुद ही लेता है। ये एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होता है, मतलब आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर पे एग्जाम करना होगा। इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप के होते हैं। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है और यहाँ पे 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है। पूरा पेपर करने के लिए आपको 2 आवर एंड 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो इस एग्जाम का पैटर्न है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस एग्जाम को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। यहाँ पे फिजिक्स से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बायो से 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ पे एग्जाम रहता है। बाकी अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे आपका जो क्लास 11th का, क्लास 12th का, एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस यहाँ पे एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी अगर आपको सिलेबस को और डिटेल में जानना है तो उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, वहां पे क्लिक करके आप इनका डिटेल सिलेबस चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है। तो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको आईपीयू का फॉर्म फिल करना होगा, और फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 1200 रुपए की फीस का पेमेंट करना होगा। अब फॉर्म कैसे फिल करना है तो इस पर ऑलरेडी मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से देख के आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म को फिल करने के बाद फिर आपको वेट करना है एडमिट कार्ड का। आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसमें लिखा होगा कि आपका एग्जाम किस जगह पे है, किस डेट को है, टाइमिंग क्या है, सब कुछ इसमें लिखा होगा। उसके हिसाब से जाके आप अपना एग्जाम दे आएंगे, और एग्जाम देने के बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, और फिर आपके जैसे मार्क्स होंगे, जैसे रैंक होगी, उसके बिहाफ पे आपको यहाँ पे कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एडमिशन होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कॉलेजेस के बारे में, कि यहाँ पे कौन कौन से कॉलेज हैं और किस कॉलेज में कौन सा कोर्स कराया जाता है, किस कोर्स में कितनी सीटें हैं और कितनी फीस लगती है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं बीपीओ कोर्स के बारे में। तो ये जो कोर्स है 2 कॉलेज में कराया जाता है। पहला कॉलेज है आईएसआईसी इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज,
यहाँ पे टोटल 25 सीट्स हैं और ये एक प्राइवेट कॉलेज है इसलिए इसकी फीस थोड़ी ज्यादा रहती है। इसके एक साल की फीस है 93,000 रुपीज पर ईयर। इसके बाद दूसरा कॉलेज आपका आता है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे टोटल 16 सीट्स हैं और ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसकी फीस थोड़ी कम होती है। इसके बाद बात करते हैं बीपीटी कोर्स के बारे में। यहाँ पे पहला कॉलेज आता है बनारसीदास चांदीवाला इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी, यहाँ पे टोटल 60 सीट्स हैं। दूसरा कॉलेज आता है आईएसआईसी इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, यहाँ पे टोटल 50 सीट्स हैं। और अगर मैं फीस की बात करूँ तो यहाँ पे दोनों ही कॉलेजेस की जो फीस है एक साल की वो आपको पड़ती है 93,000 रुपीज पर ईयर। अब इसके बाद हम बात करते हैं बीएससी एमएलटी कोर्स के बारे में। तो ये कोर्स यहाँ पे तीन कॉलेज में कराया जाता है। पहला कॉलेज है इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यहाँ पे 30 सीट्स हैं। दूसरा है कॉलेज ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी 30 सीट्स हैं। और तीसरा है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे 25 सीट्स हैं। और अगर मैं फीस की बात करूँ तो यहाँ पे आपकी एक साल की फीस लगती है करीब करीब 45,000 रुपीज पर ईयर। इसके बाद बात करते हैं बीएसएलपी के बारे में। तो बीएसएलपी एक ही कॉलेज में कराया जाता है। इस कॉलेज का नाम है अली यवरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द हियरिंग हैंडीकैप्ड, यहाँ पे टोटल 20 सीट्स हैं और यहाँ पे एक साल की फीस आपकी लगती है 80,000 रुपीज। इसके बाद आता है बीओटी कोर्स, ये कोर्स भी एक ही कॉलेज में कराया जाता है और उस कॉलेज का नाम है आईएसआईसी इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, यहाँ पे टोटल 25 सीट्स हैं और यहाँ पे आपकी एक साल की फीस लगती है करीब करीब 93,000 रुपीज पर ईयर। तो ये तो बात होगी कॉलेजेस के बारे में। अब अगर आपको यहाँ पे सिलेबस के बारे में जानना है, कट ऑफ के बारे में जानना है और बुक जाननी है कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेगी एग्जाम की तैयारी करने के लिए, कौन सी बुक है जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ, तो इन सब चीजों के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहां पर जाके आप ये चीजें चेक कर सकते हैं। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहां पर आपको लिखा हुआ दिखेगा आईपीयू पैरा मेडिकल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, उसके आगे आपको लिंक मिलेगा। जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा और पूरा आर्टिकल आईपीयू के पैरा मेडिकल कोर्स पर लिखा गया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। वहां पर आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा और उसी आर्टिकल में जब आप नीचे आएंगे तो वहां पर आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, डिटेल सिलेबस, वहां पर आपको कट ऑफ भी मिल जाएगी, बुक्स भी मिल जाएंगी, तो सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा। तो आप एक बार उसको जरूर चेक करना।